नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है आधार। चीन की नई साजिश मोड़ सकता है ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह, लंबी सुरंग बनाने की योजना। हैदराबाद के लालापेट इलाके में घर की छत पर गिरा विमान का दरवाजा विमान राज्य विमानन अकादमी का था। सरदार पटेल की जयंती पर मोदी का कांग्रेस पर परोक्ष हमला, कहा वल्लभ भाई का नाम मिटाने का प्रयास हुआ। हेलोवीन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ने करीब 6000 बच्चों और वयस्कों के साथ खेला ट्रिक और ट्रीट का खेल। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला, कहा दलितों के विकास के करोड़ों रुपए डकार गए। इटली में भारतीय छात्रों पर हमला, भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसराइल ने गाजा सीमा पर ध्वस्त की सुरंग, 7 फिलिस्तीनी आतंकवादी मारे गए, 9 अन्य घायल। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, वैश्विक शक्तियां उत्तर कोरिया के खिलाफ एकजुट हों, जरूरत पड़ी तो विध्वंसक कार्रवाई संभव। पूर्वी लीबिया के डेरना शहर पर हुए हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 15 लोगों की मौत, 17 अन्य घायल। भारत की स्टार निशानेबाज हीना सिद्धू ने राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।